क्या आप जानते हैं मोनालिसा चोरी हो चुकी है? वो भी ये कोई नई बात नहीं है। मोनालिसा को चोरी हुए पूरे 109 साल हो चुके हैं। 109 साल, या कहीं तो उससे भी ज्यादा। तो पूरे 9 साल हो 109 साल हो गए हैं। क्या हमसे अभी तक झूठ कहा जा रहा था? आइए देखिए इस वीडियो में। सो है या टेस्ट, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ मैं आपका दोस्त अश्विनी दुबे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक पेंटिंग के बारे में। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, मोनालिसा। आपने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये पता भी नहीं कि मोनालिसा कहाँ पे है, उसे बनाया किसने है, और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो बात करते हैं सबसे पहले पेंटर का नाम क्या। पेंटर का नाम है लियोनार्डो दा विंची। ये एक इटालियन पेंटर हैं, थे मैं मतलब। तो ये फ्लोरेंस में पले बड़े हैं, और इनने फ्लोरेंस में ही ये पेंटिंग का काम शुरू कुछ किया था। ऐसी है मोनालिसा, ये जो मोनालिसा है वो एक मर्चेंट की बीवी थी। तो वो जब ये पेंटिंग बन रही थी, तब जो मोनालिसा थी उनकी उम्र थी 25 ईयर्स। वो 25 साल की थी जब वो पेंटिंग बन रही थी। तो जो मर्चेंट था वो उस पेंटिंग के लिए पे नहीं कर पा रहा था। तो लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से लेके 1506 तक इस पेंटिंग पे काम किया। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जब फ्रांस के राजा ने उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट किया, तो उसके बाद वो उस मोनालिसा की पेंटिंग को भी अपने साथ ले गए। तो वो पेंटिंग अभी इसलिए फ्रांस में ही है क्योंकि जब वो मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तब वो फ्रांस में ही थे। उनकी डेथ फ्रांस में ही हुई थी। तो जो फ्रेंच राजा थे, राजा का नाम था फ्रांकोसेस, तो वो जो राजा थे उनने मोनालिसा रख ली जब उनकी डेथ हुई लियोनार्डो दा विंची की। तो अब सवाल आता है कि उन्हें वापस क्यों नहीं करी पेंटिंग। तो वो पेंटिंग इसलिए वापस नहीं करी क्योंकि उन्हें वो वैसे ही बहुत अच्छी लग रही थी, पेंटिंग बहुत आकर्षक लग रही थी, जैसे आजकल लोगों को लगती है। तो इसलिए उन्होंने वो पेंटिंग अपने पास ही रख ली और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन एक कहानी ये भी है, ये सारी कहानी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी क्लियर नहीं है कि ऐसा था। तो ऐसा भी कहा जाता है उनके जो स्टूडेंट थे, लियोनार्डो के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने मोनालिसा को फ्रांस के राजा को भेज दी, और बस तब से वो फ्रांस के पास ही है। तो अब सवाल आता है वो है कहाँ। वो है पेरिस के लूवर म्यूजियम में। तो वो म्यूजियम पेरिस में है। तो वो जो आपने बहुत सारी फोटोज देखी होगी उनकी, एक पिरामिड है, उसमें कांच का पिरामिड है म्यूजियम। तो वो उसकी फोटो मैं डाल दूंगा यहाँ साइड में। तो जो मोनालिसा थी अब वहाँ है। तो पहले के टाइम में क्या था कि जो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो बाकी पेंटिंग से साथ लगी हुई थी। उस वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, वो सेंटर वॉल ऑफ पे नहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई थी नॉर्मल पेंटिंग्स के साथ ही। तो अब सवाल आता है कि वो नॉर्मल पेंटिंग के साथ लगी हुई थी तो उससे आप लोगों को क्या करना। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है कि क्या आप लोगों को पता है कि मोनालिसा चोरी हो चुकी है, वो भी अभी नहीं 109 साल पहले। तो क्या हमें तब से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो चोरी हुई थी 1911 में। वहाँ के उस टाइम क्या था कि वो नॉर्मल बाकी पेंटिंग के साथ ही लगी रहती थी मोनालिसा की पेंटिंग। और उस टाइम क्या था कि पेरिस में बहुत सारे क्राइम भी हो रहे थे, और ज़्यादा कुछ रूल वूल था नहीं, ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी थी नहीं। तो उस सिलसिले के चलते मोनालिसा चोरी हुई। तो बात करते हैं कि हुआ क्या उस टाइम। तो उस टाइम क्या था कि जो पेंटिंग्स थी उनके, जो मास्टरपीस पेंटिंग्स थी, उनके पास में बैठ के दूसरे आर्टिस्ट उनकी हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते थे ताकि वो सीखें। तो इसलिए वो पेंटिंग सारी खुले में लगी हुई थी, कुछ भी ज़्यादा प्रतिबंध नहीं थे वहाँ पे जाने के। कोई भी पेंटर जाता था, ऐसे बैठ जाता था, यहाँ पे पेंटिंग होती थी, वो बनाता जाता था। तो अब बात करते हैं कि वो चोरी तो किसने। जो मोनालिसा की पेंटिंग थी वो चुराई गई थी विंसेंट पेरुजियो के द्वारा। तो वो एक वर्कर थे, म्यूजियम वर्कर थे। वो जो लूवर म्यूजियम था वो बड़ा किया जा रहा था, उसे बड़ा बनाया जा रहा था और बड़ा किया जा रहा था बाकी पेंटिंग्स के लिए। तो उस टाइम वहाँ पे काम चल रहा था, और मोनालिसा रखी थी खुले में। तो आर्टिस्ट थे वो भी, वर्कर भी थे और एक आर्टिस्ट भी थे। तो उनने देखा, अरे वाह खुली है, उठा लो। तो उनने वो पेंटिंग चुराई, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनने वो जो मोनालिसा की पेंटिंग थी वो चुरा के वो कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं हुए, ना ही उनने कोई सीक्रेट रास्ता चुना। वो जो मेन एंट्रेंस थी जहाँ से लोग आते जाते थे, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वो पेंटिंग को उठा के ले गए, किसी को पता भी नहीं चला, वो भी दिन का टाइम में। तो उनने अपने घर पे रखी वो पेंटिंग जो उनके म्यूजियम के पास ही था, लूवर म्यूजियम के पास ही था। और कमाल की बात यह है कि मोनालिसा के चोरी होने के 24 घंटे बाद पता चला कि मोनालिसा चोरी हो गई। 24 घंटे बाद, जब एक पेंटर विंसेंट जब मोनालिसा की पेंटिंग बनाने गए थे, कॉपी करने गए थे मास्टरपीस की, तब उनने देखा कि दीवार पे सिर्फ चार चार मेटल्स के हुक लगे हैं, मोनालिसा तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरे में खबरें छप गई कि वेयर इज मोनालिसा। तो फिर उसके बाद, उसके 2 साल बाद जो पेंटिंग चोरी हुई थी वो 1911 अगस्त को हुई थी, और पेंटिंग जब मिली थी वो सन और डेट थी 1913 22 अगस्त को मिली थी। 22 अगस्त 1913 को वो पेंटिंग मिल गई थी, और वेंसेंट पेरेजियो को सजा हो गई थी, अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब बात करते हैं कि पेंटिंग इतनी खास क्यों है।
तो पहला फैक्ट तो यही था कि जो पेंटिंग थी वो चोरी हो गई थी। अब दूसरी बात करते हैं मोनालिसा का मतलब क्या है। तो जो मोनालिसा है उनका मतलब है, मोना का मतलब है मैडम और लिसा नाम, तो मोनालिसा मैडम लिसा। तो मैडम लिसा के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो जो मैडम लिसा थी उनका पूरा नाम था लिसा जियो लेसो कोंडो, तो ये था उनका पूरा नाम। और कहा ये भी जाता है, ये भी एक फैक्ट है, कहें तो एक रोचक फैक्ट है, तथ्य है ये, कि जो मोना लिसा थी उनकी ये असली पेंटिंग नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। और वो असली पेंटिंग, ये कहा जाता है कि जो असली पेंटिंग थी वो लियोनार्डो दा विंची ने बना ली थी पूरी अच्छे से बन के, और जब वो फ्रांस जा रहे थे उससे पहले जिसने बनवाई थी, जिस मर्चेंट ने वो पेंटिंग बनवाई थी उसे दे दी थी। तो अब सवाल आता है कि मोनालिसा फिर आई कहाँ से, कौन थी ये मोनालिसा, क्या ये कोई असली स्त्री थी। दरअसल हाँ भी और ना भी, क्योंकि ये भी एक तथ्य है कि जो लियोनार्डो दा विंची थे वो अपने सेल्फ सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा पारंगत थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने में। तो उनने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो उनने इसी सोच के साथ मोनालिसा, जो लिसा लेदो जियोकोंडो के साथ अपना पोर्ट्रेट जोड़ दिया, अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया उनने, अपनी शक्ल और लिसा की शक्ल मिला के उनने मोनालिसा बनाई। ये एक फैक्ट है, इसके बारे में 100% किसी को भी नहीं पता है। तो आप सबको यही लगता होगा कि मोनालिसा अभी भी सबसे महंगी पेंटिंग है इस दुनिया की। दरअसल ऐसा नहीं है, मोनालिसा सबसे महंगी पेंटिंग थी, लेकिन मोनालिसा की भी तबीयत बिगड़ गई। मोनालिसा जो है वो अब बिल्कुल तो वो खराब होने लगी, स्पॉइल होने लगी है, क्योंकि जो मोनालिसा थी वो एक ऑयल पेंटिंग थी, और वो ऑयल पेंटिंग एक सिंपल से वुडन पैलेट पे की गई थी, मतलब वुडन कैनवस पे, जिसपे सिर्फ वुड थी, वुड के ऊपर बनाई गई थी। वो कोई भी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेच कैनवस या कैनवस बोर्ड या बकरम या कुछ भी नहीं था ऐसा, वो सिर्फ एक वुड पे बनाया गया था वो पेंटिंग। तो वो आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स आ रहे हैं पेंटिंग में। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसे 5 बार रिफर्बिश किया गया, और वो आखिरी बार रिफर्बिश तब हुई थी जब वो चोरी होने वाली थी, मतलब 1911 में वो रिफर्बिश हुई थी आखिरी बार, उसके बाद अभी तक वो रिफर्बिश नहीं हुई। रिफर्बिश मतलब होता है उसे ठीक करना, रिस्टोर टाइप करना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेंटिंग थी उस पर सिर्फ एक कोट चढ़ा देना, एक लेयर चढ़ा देना, जिससे जो पेंटिंग है उसकी जान बनी रहे, वो बेजान पेंटिंग ना बने। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने वो पेंटिंग क्यों बनाई थी, उन्हें अपना सेल्फ पोर्ट्रेट और लिसा का पोर्ट्रेट क्यों जोड़ना चाहा। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जो पेंटर्स थे वो सिर्फ दूसरों के पोर्ट्रेट्स उठाते थे और बस छाप देते थे, मतलब एक तरह से कहे तो वो सिर्फ दूसरों के पोर्ट्रेट्स बनाते थे, मतलब शक्ल कॉपी कर लेते थे और पेंटिंग बना देते थे। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये भी सही था, क्योंकि उस टाइम इतनी तरक्की भी नहीं की थी पेंटिंग ने। तो यहाँ हम बात करते हैं कि उनने कुछ नया करने का सोचा और उनने वो बनाई पेंटिंग अपनी, और मोनालिसा की, मैडम लिसा की शक्ल मिला के अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया फीमेल वर्जन में। तो जो आपको क्रैक्स दिखते हैं मोनालिसा पे, आपने कभी ध्यान से किसी फोटो में देखा होगा या किसी भी असलियत में देखा हो चाहे, तो जो मोनालिसा है उसमें छोटे छोटे से क्रैक्स हैं। कुछ क्रैक्स तो लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाए थे एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक उसको एक ऐसा लुक दिया था जैसे वो बहुत पुरानी है। अभी के टाइम पे मोनालिसा करीबन 550 साल से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लिसा बहन जी की हमारी, तो 550 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो अभी भी टिकी हुई है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आप जिस मोनालिसा को बहुत बड़ा मानते हैं, मतलब बहुत बड़ी पेंटिंग मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये A4 साइज का पेपर है। तो जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो इस साइज की तो नहीं है, लेकिन वो A4 साइज से ज़्यादा बड़ी भी नहीं, इतने साइज की है वो करीबन, देख सकते हैं आप, ये A4 पेपर है, तो इतने साइज की है बस मोनालिसा की पेंटिंग। और ये बात भी हैरानी वाली है कि मोनालिसा थी एक्सपेंसिव, सबसे महंगी पेंटिंग थी दुनिया की, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है सेल्विटर मुंदी, थोड़ा सा नाम अलग आपको लग रहा हो लेकिन ये इटालियन नेम है। तो सेल्विटर मुंदी भी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जीसस है, एक ग्लोब लिए हैं हाथ में, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस पेंटिंग में। तो अब बात करते हैं कि इटली ने पेंटिंग वापस क्यों नहीं मांगी, इटली ने मोनालिसा की पेंटिंग वापस क्यों नहीं ली, फ्रेंच में ही क्यों रहने दी, जबकि मोनालिसा एक इटालियन फ्लोरेंस में होनी चाहिए, इटाली में फ्लोरेंस में होनी चाहिए, तो पेंटिंग क्यों नहीं मांगी, क्यों नहीं ली। तो देखा जाए तो उनने पेंटिंग मांगी थी, लेकिन फ्रांस ने ये कह के मना कर दिया कि
अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो आप खरीद लो, और वैसे भी पेंटिंग की हालत इतनी नाजुक है कि हम उसे अपनी जगह से 3 फीट दूर भी नहीं ले जा पाएंगे, उससे पहले उसका सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वो करोड़ों की पेंटिंग, जो पेंटिंग है उसका, मोनालिसा की पेंटिंग का आज का प्राइस है 800 मिलियन डॉलर्स। सोच सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है, 800 मिलियन डॉलर्स। तो एक ही बार में 800 मिलियन डॉलर ध्वस्त हो जाएंगे, तो इसी वजह से फ्रांस ने ऐसा नहीं वापस नहीं दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मोनालिसा है वो लूवर म्यूजियम की मेन अट्रैक्शन है, फ्रांस की मेन अट्रैक्शन है, आईफिल टावर से ज़्यादा। पेरिस का जो आईफिल टावर है उससे 90% ज़्यादा लोग मोनालिसा पेंटिंग को देखने आते हैं। तो उनका जो टूरिज्म भी है वो मोनालिसा की वजह से ही चल रहा है। तो वो कोई भी अपना टूरिज्म का मेन अट्रैक्शन क्यों किसी को भी ऐसे ही दे देगा।